हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर, मैं हूं नौमान और हम रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो में अ न्यू ब्यूटीफुल प्लास्टिक रोड इन इस्लामाबाद। ये कुछ बन रहा है वहां पर इस्लामाबाद में। विल ट्रेंड ऑफ प्लास्टिक रोड्स राइज और नॉट, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है इसके टाइटल में। तो देखते हैं, प्लास्टिक रोड एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि प्लास्टिक के भी कुछ रोड बनते हैं, हम लोगों को नहीं पता था किस तरीके से बनते होंगे, क्या होगा। इस वीडियो के जरिए देखते हैं और जानकारी भी लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। प्लास्टिक से अगर रोड बनने लगे तो ये जो प्लास्टिक से नुकसान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गवादर सी पैक। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हाल ही में ज़ाया होने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए मुल्क की पहली प्लास्टिक सड़क बनाएगी। यहाँ पर 1 किलोमीटर तवील प्लास्टिक का टुकड़ा 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया। पाकिस्तान में सालाना 55 अरब प्लास्टिक के थैले तैयार किए जाते हैं, जिनमें से अक्सर लैंडफिल मकामात पर चले जाते हैं और मुल्क में आलूदगी में शदीद इजाफे का बाइस बनते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का अंदाजा है कि मुल्क में रोजाना 87,000 टन ठोस कचरा यानी सॉलिड वेस्ट पैदा होता है और पाकिस्तान के बड़े शहरों में ये आलूदगी का बहुत बड़ा सबब है। प्लास्टिक को करामत बनाने और प्लास्टिक की बढ़ती हुई आलूदगी को काबू करने के लिए कई माहरीन का ख्याल है कि इसका बेहतरीन तरीका इसका तामीराती सनत में इस्तेमाल है। नाजिन, जाया कर दिया गया प्लास्टिक एक बहुत बड़ा और मसला है। ये बुलंदतरीन पहाड़ों से लेकर समंदर की गहराइयों तक पाया जाता है, चुनांचे इससे फरार नामुमकिन की नजर आता है। कुदरती हालात के जरिए प्लास्टिक का खत्म होना तकरीबन नामुमकिन जैसा है। हाँ, वो प्लास्टिक खत्म नहीं होती, दुनिया में बड़ी मात्रा में मिट्टी में दबी रहेगी, पानी में तैरती रहेगी। दुनिया हर साल 35 करोड़ 90 लाख टन के करीब प्लास्टिक पैदा करती है। हमारा माहौल इतनी तेजी से प्लास्टिक फेंके जाने से नहीं निमट सकता कि इंसानों को नुकसान पहुँचने से रोका जा सके। चुनाचा इत्तेफाक़ी राय ये पैदा हो चुका है कि प्लास्टिक माहौल दोस्त मटीरियल नहीं है और एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इस मसले को हल करना भी मुमकिन है। मसला प्लास्टिक नहीं, हमारे इक्तसादी मॉडल का है, जिसमें चीज़ें तैयार की जाती हैं और इस्तेमाल करने के बाद फेंक दी जाती हैं। इस मॉडल का तस्वुर लामहदूद इक्तसादी तरक्की पर है और यह हमारे कुर्रा अर्ज के ख़त्म होते वसाइल पर तवज्जो नहीं देता। प्लास्टिक को बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। गैर इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक को तामीरात में इस्तेमाल होने वाली सख्त काबिल भरोसा और पायदार अशिया में ढाला जा सके। बहुत से लोग इस बात पे यकीन भी रखते हैं कि प्लास्टिक को रिसाइकल करना यानी इस्तेमाल के काबिल बनाना ममनू है और बहुत कम इकसाम ऐसी हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। ये हैरान कुन नहीं है, प्लास्टिक की जितनी मिकदार को रिसाइकिल किया जाता है वो बहुत कम है। बरतानिया में हर साल 5 मिलियन टन प्लास्टिक इस्तेमाल होता है और इसमें से फकत 3,70,000 टीन को दोबारा साइकिल किया जाता है, यानी कुल में से फकत 17% इस्तेमाल होता है। लेकिन प्लास्टिक और इससे ऐसी दूसरी अशिया नायलॉन पॉलिस्टर वगैरह 100% रिसाइकिल किए जा सकते हैं। ये बार बार एक जैसी अशिया को बनाने की सलाहियत रखते हैं। कुछ प्लास्टिक दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे आप एक चीज को टुकड़े टुकड़े कर दें, इसे पिघला दें और दोबारा इस्तेमाल करें। ऐसे रिसाइकिल के नई तैयार होने वाली प्लास्टिक की निस्बत कम मैकेनिकल खसूसियात हो, क्योंकि जब भी आप प्लास्टिक को पिघलाते हैं इसको किसी न किसी अमल से गुजारते हैं तो इसके अंदर बड़े मौजूद मालिक्यूल या पॉलीमैक्रिक चेन्स कम हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इसकी खासियत तब से फिर बहाल हो जाती है जब इसमें नए प्लास्टिक को शामिल कर दिया जाता है। हत्ता कि जापानी कंपनी ब्लेसेड कॉरपोरेशन एक ऐसी मशीन बेच रही है जो घरेलू इस सतह पर इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के कचरे को ईंधन में आसानी से तब्दील कर सकती है। बाकी सबको तकनीकी तौर पर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के जरिए नए मवाद में दोबारा प्रोसेस किया जाता है। आखिरी मिसाल, किसी भी प्लास्टिक के कचरे को कार्ड क्रॉसिफाइल के फिलर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या ईंधन पैदा करने वाले पायरोलाइंस किया जा सकता है, हीटिंग के जरिए जलाया जाता है। जापानी कंपनी ब्लेसेड कॉरपोरेशन पहले ही एक पोर्टेबल मशीन फरोख्त कर रही है ताकि घरेलू प्लास्टिक के फसले को एक सादा सस्ती तरीके से ईंधन में तब्दील किया जा सकता है। यहाँ मसला ये है कि फालतू प्लास्टिक को इस वक्त रिसाइकिल करना मुमकिन नहीं और मुनाफा बख्श भी नहीं। पॉलीमर जैसा रबड़, थर्मोसेट्स और ऐसा कचरा जिसमें प्लास्टिक शामिल हो पर रिसाइकिल करने वाले सेक्टर की जानिब से आराम से ये लिख दिया जाता है कि ये दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन प्लास्टिक की अशिया दुनिया भर में खतरनाक हद तक बढ़ रही है। क्या हुआ कि अगर ये फालतू प्लास्टिक इस समाज के लिए कुछ कारामद चीज़ बना सके, बहुत सी यूनिवर्सिटीज और कारोबार शुरू करने वाले ऐसे कोशिश कर रहे हैं। बहुत से अरसे से मुख्तलिफ एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं और प्लास्टिक के मिक्स कचरे को निशाना बनाते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत से ग्रोहों ने तामीराती मटेरियल तैयार पानी में हल नहीं होता, वजन में हल्का होता है, इसे किसी भी शक्ल में बासानी ढाला जा सकता है
और दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसमें वो तमाम खसूसियात हैं जो तामीराती मवाद में शामिल होनी चाहिए। इसलिए क्या है कि अगर कम आमदनी वाली आबादियों के लिए फालतू प्लास्टिक को तामीराती अशिया में तब्दील किया जाए, इस वक्त उठाए जाने वाले इकदाम में काबिल उम्मीद है, मगर अभी के इस सनती पैमाने पर फिर से बनाने के काबिल नहीं है। अगर हम इस मकसद के साथ इसे माहौल से निकालने के लिए दिलचस्प तरीके से बात करें तो सन 2009 से अब तक मैंने बहुत से तामीराती अशिया को तैयार किया और इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक को नदी में मौजूद फसलों में मिलकर बनाया है। ज़रई सतह पर मौजूद फालतू मवाद, मसलन गन्ने का बचा हुआ मवाद, ये ब्राज़ील में शुगर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है। इसी तरह बची हुई कॉफ़ी, तामीरात में बचा हुआ मटेरियल, इस सब को रिसाइकल शुदा प्लास्टिक के साथ मिलाया जाता है। इस तरह से बहुत से तरीके होते हैं जिसे मटेरियल मिल सकता है ताकि ईंटें बनाई जा सके, छत की टाइलें बनाई जा सके और लकड़ी के माने प्लास्टिक का इस्तेमाल और दीगर जरूरी तामीराती अशिया बनाई जा सकती हैं। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ मटेरियल की प्रॉपर्टीज को रोटो मोल्डिंग के अमल में एडजस्ट कर सकें। ये प्लास्टिक को बड़ी बड़ी खोखली अशिया के सांचे में ढालने के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है। अब माहिरीन चाहते हैं कि हम इस ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल प्लास्टिक को इस्तेमाल करें। मैकेनिकल की फील्ड में इसे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे हम कोशिश करेंगे कि 50%, 75% और 100% हो। इसी तरह रिसाइकल शुदा मुख्तलिफ रंगों के प्लास्टिक अमूमी सुरमई या फिर स्याह रंग के निकलते हैं। रंगों को मौजूद रखने के लिए ऐसे रिसाइकल प्लास्टिक के मरकब तैयार होते हैं ताकि ब्लॉक के मरकजी हिस्से का अहाता कर सके। तो फिर शायद प्लास्टिक जरूरी नहीं कि मसला हो। ये पायदार तर्ज जिंदगी की जानिब रास्ते का एक ऐसा हिस्सा हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप कुदरती या दोबारा काबिल इस्तेमाल ज़राए को इस्तेमाल करें तो वो माहौल दोस्त भी हो। पॉलीमेरिक मवाद का माहौलियाती नक्शा कुदरती मवाद से छोटा होता है, जिसकी काबिलेकार जमीन, साफ पानी, खाद और तख्लीक नौ के वक्त पर काफी मांग होती है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के मुताबिक कोरोना वायरस से पहले हमें मुयस्सर सहूलत से 1.75 गुना मांग रहे थे। गैर रिसाइकल शुदा फजलात पर काम करने और प्लास्टिक के मुतबादल कुदरती ज़राए का इस्तेमाल शायद इस मांग को कम करे और हम अपनी अगली नस्ल के सादा, साफ और पायदार सियारा छोड़कर जा सके। वो तामीराती मवाद जो कि रिसाइकल प्लास्टिक से बने होते हैं अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं हो रहे। इसके इब्तदाई नमूने अभी भी तनसीबात पर नुमाइशी तौर पर लगाए जाते हैं। अभी प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए सियासी तौर पर पुरअज़म और बड़े पैमाने पर इस माहौलियात के हवाले से बेदारी की ज़रूरत है, मगर उम्मीद है कि प्लास्टिक से फैलने वाली आलूदगी पर अवामी राय के बढ़ते हुए दबाव के नतीजे में इस लहर का रुख मोड़ना शुरू हो गया हो। यह मार्केट और लोगों के जहनों में प्लास्टिक के इकदाम को रवायती तामीराती मवाद की जगह लेने का आगाज़ है। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर आगा करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये हमने देखा ब्यूटीफुल प्लास्टिक रोड इन इस्लामाबाद, जिस की तैयारी चल रही है और प्लास्टिक को कैसे रिसाइकिल किया जाता है, किस तरीके से काम में लिया जाता है, ये मुझे भी नहीं पता था। कि आप, मुझे इतना पता था कि प्लास्टिक रिसाइकिल की जा सकती है, उनकी दोबारा से वही बोतलें बनकर आ सकती हैं, फैक्ट्री में जाएगी तो लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरीके से भी यूज़ इसका हो सकता है, मतलब रोड बन सकता है इस्लामाबाद में। हाँ, रोड बन रहा है। कैसा होगा, किस तरीके का होगा, वो तो नज़र से देखने के बाद ही पता चलेगा, बन चुका है या नहीं ये भी नहीं पता। अगर बना होगा तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसमें नॉलेज बहुत ज़बरदस्त दी थी, किस तरीके से यूज़ होता है उसका, किस तरीके से उसके प्लांट्स लग रहे हैं ताकि उनकी छोटी छोटी गोलियाँ बने और उसको दोबारा से रिसाइकिल कर रोड के ऊपर डाला जाए, रोड बनाया जाए। तो बहुत सही वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इस्लामाबाद में रोड बन रहा है ये, तो और भी जगह बनेगा पाकिस्तान में और इसका यूज़ भी बहुत सही तरीके से होगा। प्लास्टिक से एक डाउट है कि गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, 40 के ऊपर, 40-45 के ऊपर चला जाता है कहीं कहीं, तो उस टेम्परेचर में प्लास्टिक के रोड में कोई दिक्कत आ सकती है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो उस पर थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से, ऊपर से हाँ धूप पड़ती है, गाड़ियाँ निकलती हैं, तो शायद वो आई डोंट नो इतना कामयाब है या नहीं, ये तो पता चलेगा, क्योंकि उसमें कुछ और भी मटेरियल या फिर केमिकल्स कुछ भी जैसे सीमेंट होता है वो मिलाकर बनाया जाएगा, तो उसको रोकने का होगा बहुत सारे जुगाड़ हैं। जब उसको रिसाइकिल कर रोड बनाने का जुगाड़ है तो ये भी हो सकता है। तो ये बहुत अमेजिंग था, बढ़िया था कि इसके रोड्स बन रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा जो वेस्ट हो रहा है पूरे दुनिया में हो रहा है, आने वाली नस्लें जो हैं वो बर्बादी की तरफ जा रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो ये हवा है ये भी इतनी ज़्यादा सही नहीं रहेगी, ऑक्सीजन भी लेना मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में, इतना ज़्यादा गंदगी होगी नेचर में। तो उसको बचाने के लिए लोग ये कदम उठा रहे हैं ताकि प्लास्टिक कम हो सके और उसका यूज़ हो सके नीचे। सो
इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सजेशन दें कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में गाइज इतना ही, अच्छा लगा इस वीडियो को देखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करके शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।